पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज की हुई सरेआम बेइज्जती। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती हैं। कभी वो कुछ बयानबाजी के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो फंस जाते हैं। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो सुर्खियां बटोर देते हैं और हर कोई उनकी बेइज्जती करने लगता है। एक ऐसा ही इंसिडेंट तब हुआ जब तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए मोहम्मद हाफिज, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, वो सिडनी एयरपोर्ट पहुंचे। तो जब वो सिडनी एयरपोर्ट पहुंचे अपनी पत्नी को लेकर, तो वहां पे उनको फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं दिया, चढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लेट पहुंचे थे वो। उनको पंक्चुअलिटी सिखानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है सभी को, कि वो लेट पहुंचे और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको फ्लाइट में अंदर जाने का मौका नहीं मिला। उनको चेक इन करने का भी मौका उन्होंने नहीं दिया क्योंकि टाइम की पाबंदी थी। और आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पे आपको टाइम से पहुंचना पड़ता है क्योंकि चेकिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें, बहुत तमाम फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद थोड़ी देर उनकी पत्नी और वो वहीं एयरपोर्ट में रुक के उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली, यानी वो फ्लाइट उनकी छूट गई, उनको चढ़ने नहीं दिया। उनको जो एयरपोर्ट वाले हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले, उन्होंने ये भी लिहाज नहीं समझा कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, चलिए इनको आप चढ़ने देते हैं। नहीं, उन्होंने ये लिहाज नहीं करा और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और उनको एक आम नागरिक के तौर पर, यानी मोहम्मद हफीज़ और उनकी पत्नी को कोई स्टार के नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर उनको वहीं रोक दिया और कहा कि जब दूसरी फ्लाइट आएगी आप तब चले जाना। फिलहाल आपको बताएं कि तीसरा टेस्ट मुकाबला सिडनी में होने जा रहा है, जो कि दो टेस्ट मुकाबले पाकिस्तान हार गया, बड़ी बुरी तरीके से हारा। और पिछले 16 साल में, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 16 साल में पाकिस्तान एक भी टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं जीता है। तो तीसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक टेस्ट मुकाबला तो जीते, वरना ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पूरा क्लीन स्वीप कर देगी पाकिस्तान का। आपको दूसरा टेस्ट मुकाबला थोड़ा सा याद दिलाऊं तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, बाबर अच्छे टच में थे और बाकी के जो सारे प्लेयर्स थे, शान मसूद वगैरह, ये अच्छे टच में थे। मोहम्मद रिजवान का आखिरी में विकेट बच गया था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान का आपने कंट्रोवर्शियल आउट भी देखा, जब रिजवान को पैट कमिंस की गेंद आई, रिजवान के वो रिस्ट बैंड में लगी थी लेकिन सबको लगा वो ग्लव्स में लगी है। अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया था। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने भी अपनी टीम का साथ दिया, उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने ज़बरदस्त खेला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने औरों के मुकाबले बहुत अच्छा खेला है। उसके बाद पैट कमिंस ने भी पलटवार करा कि भले ही उन्होंने अच्छा खेला होगा लेकिन जीते तो हम ही हैं और जो जीतता है वो इसी के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें, चलिए अब लेट्स सी कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल आप बताइए कि मोहम्मद हफीज की जो सरेआम एयरपोर्ट पर बेइज्जती हुई है वो कैसी लगी आपको?